ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। आज डेट है 1 मार्च, ठीक है। मॉर्निंग स्ट्रेटजी में हमें कोई भी एंट्री नहीं मिला। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हम करते हैं 9:15 स्ट्रेटजी, 40-400 का लेवल नहीं टूटा, ऊपर 40-550 का लेवल नहीं टूटा, तो दूसरा हम स्ट्रेटजी करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 9:40 हो चुका है। इसके बाद मॉर्निंग स्ट्रेटजी थोड़ा रिस्की हो जाता है। मैंने अपने टाइम फ्रेम को वापस से 5 मिनट कर लिया, फिर मैंने अच्छी सेटअप लगा लिया, क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ। लेट्स सी, क्लोजिंग मिलता है तो एंट्री लेंगे। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट और ये रहा निफ्टी का चार्ट, दोनों में। अब निफ्टी में क्या प्रॉब्लम है कि ऊपर का ये रेजिस्टेंस, फ्री ग्रुप में भी ऑलरेडी मैंने बोल रखा था कि ऊपर रेजिस्टेंस है, वॉच कर लीजिएगा। ये रहा, ठीक है। बैंक निफ्टी ऑल्सो वॉच रेजिस्टेंस है टॉप, निफ्टी में भी एट टॉप रेजिस्टेंस वॉच करने बोला था। रेजिस्टेंस से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। अब हम वेट करें परफेक्ट क्लोजिंग का रेजिस्टेंस के ऊपर। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, ये वाली लाइन रखेंगे, उसके बाद देखते हैं 1:1, 1:2 करके बुक करते जाएंगे। लेट्स सी, बस इसी रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट कर रहा हूँ, अभी तक ब्रेक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये रहा निफ्टी में ऊपर तो ब्रेक करता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन क्लोजिंग चाहिए मुझे ऊपर में, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ रूल्स को फॉलो करिए, कभी लॉस नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने अभी तक कोई भी एंट्री नहीं ली है। मैं बोला हूँ ऊपर क्लोजिंग मिले तब एंट्री लेना है, ठीक है। अभी तक क्लोजिंग नहीं मिला है, बस उसी चीज का वेट कर रहे थे। देखो कितना बड़ा रिवर्सल आ गया, अभी कोई लेता है एंट्री यहीं पे फंस जाता। ये रहा, एक ही कैंडल में पूरा कैपिटल खा जाता है कोई गलत एंट्री लेता ऊपर में। तो मार्केट चल तो रहा है, बस घूम रहा है मार्केट, ऐसा लग रहा है न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है, बस एक जोन में कंसोलिडेट होते जा रहा है, ठीक है। मॉर्निंग स्ट्रेटेजी में भी बैंक निफ्टी में भी कोई भी एंट्री नहीं मिला, ठीक है, और कोई भी लेवल ही नहीं तोड़ा मॉर्निंग स्ट्रेटेजी का, नहीं नीचे का लेवल तोड़ा ना इसने ऊपर का लेवल तोड़ा। मार्केट बहुत ज़्यादा वेट करवा रहा, अभी तक एंट्री नहीं मिला। ये रहा, आप लोगों के लिए कोट लिख के रखा, पढ़ लीजिएगा, सबके काम आने वाला है। ये रहा, मैंने एम पैटर्न के भी लाइन खींच लिया है, या तो ऊपर जाएगा तो लेंगे, जैसे ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है, क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं तो फिर ऊपर लेंगे, अगर अदरवाइज ये नीचे आएगा यहाँ कहीं पे क्लोजिंग देगा रेड वाला तो फिर एम पैटर्न के ले लेंगे, फर्स्ट टारगेट फिर सेकंड टारगेट, दोनों के लिए रेडी बैठे हैं, ठीक है। सामने करेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो। लीजिए, अब तो ये एम पैटर्न का एंट्री दिख रहा है, ठीक है, पुट पे ले लेते हैं जल्दी से। यार 17400 का पुट है, 5 लॉट पे करता हूँ मैं निफ्टी का, ठीक है, 54-55 पे चल रहा है। मेरे एंट्री लेते साथ ही मार्केट ने अप्रॉक्स 20 पॉइंट दे दिया है, ठीक है, 61 पे चला गया है। लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं, और 6-7 पॉइंट मिला 350 से 400 रुपये 1 लॉट पे, ठीक है। 3 लॉट मैंने एग्जिट कर लिया फर्स्ट टारगेट पे, यहाँ पे ऑल क्वांटिटी एग्जिट कर चुका हूँ, क्योंकि वापस ये एंट्री पॉइंट पे जा चुका है मेरा। छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड ही बोल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 1200-1300 रुपये बनाया ओनली 3 लॉट पे, और बाकी 2 लॉट तो मैं एग्जिट कर दिया नो प्रॉफिट नो लॉस पे। वेट करते हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन फेज में चला गया। मैंने फिप का एंट्री यहाँ पे ले रखा था, ठीक है, जब ये ऊपर क्लोजिंग था, तो मैं कुछ पॉइंट्स ऊपर मिला भी, लेकिन अभी फिलहाल मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ चुका हूँ। ऑलरेडी 30 मिनट हो चुका है, मैं रूल्स के हिसाब से मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आज मार्केट बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो चुका है, अपना ट्रेडिंग आज क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो सब कर दीजिएगा। हर रोज आपको ट्रेड मिले ये जरूरी नहीं होता, बस अपना प्रॉफिट सेव करना है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकालने हैं, डेली निकालने, ठीक है, लॉस में नहीं जाना है।